जी आवाज जा रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। मैंने सीधे ही जो है शेयर कर दिया है, और आज अभी कर देंगे तुरंत इसे कंप्लीट करने के बाद। दोनों 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 साथ में ही, दोनों अभी अभी जस्ट जस्ट आज चौसर को कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि जान उसमें अब और ज्यादा रह नहीं गया था। जान कीर्त में उसकी कुछ ओट वगैरह है। हाँ हाँ तो आज ही दोनों करते हैं। तो यू विल कम टू नो टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट जियोफ्रे चौसर 1340 से 1400। ऑलरेडी यू आर गेटिंग इट। और हियर इज वर्ड की लिव्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ थ्री किंग। ये तीनों किंग है, एडवर्ड थर्ड है, रिचर्ड सेकेंड है, हेनरी फोर्थ है। और उनके लंदन जो पेटेंट थे उनका क्या नाम था? जान ऑफ गॉन्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है उनके लंदन पेटेंट कौन थे? जान ऑफ गॉन्ट। और वो फर्स्ट पोएट बरीड इन पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर अबे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले पोएट है जो वेस्टमिंस्टर अबे में दफन किए गए थे। बाद में तो बहुत सारे पोएट्स दफन किए गए थे, लेकिन वो पहले पोएट थे जो किए गए थे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हु? वी आर टॉकिंग अबाउट जोफ्रे चासर। एंड यू विल कम टू नो ही वाज बोर्न इन 1340, डाइड इन 1400। और कितने राजाओं की उन्होंने सेवा की? तीन की, एडवर्ड थर्ड की, रिचर्ड सेकेंड की, हेनरी फोर्थ की। कहाँ पे दफन किए गए थे? वेस्टमिंस्टर अबे में। उनके पेटर्न कौन थे? जान ऑफ गॉन्ट थे। उनके ऊपर किसका किसका इन्फ्लुएंस था? ओविड का, जियोवानी का, बोकैसियो का। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम है बोकैसियो, क्योंकि इनका आपने बार बार एक चीज पढ़ा होगा, डीका मीरान। इनको और क्या कहा गया? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा गया, आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न पोएट। ये चीज इनको टाइटल दिया गया। इनका इन्होंने तीन भाषाओं में लिखा है, या इनका तीन स्टेज रहा है, ये सब कॉमन पॉइंट है। द फ्रेंच में लिखा, द इटालियन में लिखा, द इंग्लिश में लिखा। सोनाली मैडम, हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड अस? 16। ओके ओके, यू ड्रॉप मी, दैट्स गुड दैट्स गुड। सो यू विल कम टू नो कि कितने लोगों का के बारे में यहाँ बात चली? द फ्रेंच, द इटालियन, द इंग्लिश, ये लोग रहे हैं। मतलब इन भाषाओं में उन्होंने लिखा हुआ है। द फ्रेंच मॉडल अपॉन फ्रेंच ओरिजिनल, करें उनका जो फ्रेंच मॉडल अपॉन फ्रेंच ओरिजिनल उनका रहा। स्टाइल इज क्लमजी एंड इमेच्योर, ये कोई बहुत स्ट्रांग पॉइंट नहीं रहा है। अब फ्रेंच पीरियड में उनका क्या क्या काम रहा है, ये फिर उन्होंने बताया है। सो यू विल कम टू नो वी आर टॉकिंग अबाउट जियोफ्रे चासर। ही वॉज बॉर्न इन 1340, डाइड इन 1400। कितने राजाओं की सेवा किए हैं? तीन राजाओं की, जिसमें एक एडवर्ड थर्ड है, रिचर्ड सेकेंड है, हेनरी फोर्थ है। और उनके एक लंदन पेटर है जिसका क्या नाम था? जान ऑफ गॉन्ट है। और वो फर्स्ट पोएट है जो वेस्टमिंस्टर अबे में दफन किए गए हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री उनको कहा गया, और वो पहले मॉडर्न पोएट भी कहे जाते हैं। उन्होंने कितनी लैंग्वेज में लिखा? तीन लैंग्वेज में, फ्रेंच में, इटालियन में, इंग्लिश में। और उनके ऊपर जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस का प्रभाव था वो कैसियो का। एंड फर्स्ट पोएट हु वाज बरीड देयर, हु वाज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर। पोएट्स कॉर्नर किसको कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर अबे को। वेस्टमिंस्टर अबे वो जगह जहाँ पे इंग्लैंड के फेमस पोएट्स, ज्यादातर जो है पोएट्स वहाँ दफन हुए हैं, या राइटर वहाँ पे दफन हुए हैं। अब उनका जो फ्रेंच पीरियड था, उसमें एक उनका किताब है जिसका नाम है द रोमांस ऑफ द रोज। इट इज पार्शियल ट्रांसलेशन इन टू मिडिल इंग्लिश ऑफ द फ्रेंच एलिगोरिकल पोएम ली रोमान डी ला रोज। या जो द रोमांट ऑफ द रोज है, या क्या है, एक तरह से ट्रांसलेशन है, ली रोमान डी ला रोज का ट्रांसलेशन है। लेंदी एलिगोरिकल पोयम है, रिटेन इन ऑक्टो सिलेबिक कपलेट। किसमें लिखा गया? ऑक्टो सिलेबिक कपलेट। ऑक्टो सिलेबिक कपलेट क्या होता है? एट सिलेबल। ऑक्टो सिलेबिक कपलेट मीन्स एट सिलेबल। द स्टोरी बिगिंस विद एन एलिगोरिकल ड्रीम इन विच द नरेटर रिसीव द एडवाइस फ्रॉम द गॉड ऑफ लव ऑन गेनिंग हिज लेडी फेवर। यह जो है एलिगोरिकल पोयम है, जिसमें जो नैरेटर होता है उसको संदेश मिलता है ईश्वर से कि उसको अपने लव को प्यार प्राप्त करना है। हर लव बींग सिम्बोलाइज बाई अ रोज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका लव जो है किस रूप में, सिंबल कौन से सिम्बोलिक रूप में दिखाया गया? रोज के रूप में। ही इज अनेबल टू गेट टू द रोज, वह उस रोज को पाने में असमर्थ है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? द रोमांट ऑफ द रोज। रोमांट ऑफ द रोज, रोमांस ऑफ द रोज। तो ये जो रोमांट ऑफ द रोज है, यह क्या है? यह उनका फ्रेंच पीरियड, मतलब जो फ्रेंच वर्क था उसका ट्रांसलेशन है। इट इज अ पार्शियल ट्रांसलेशन इन टू मिडिल इंग्लिश ऑफ द फ्रेंच एलिगोरिकल पोएम ली रोमन डी ला रोज। ली रोमन
लेंदी एलिगोरिकल पोयम किसमें लिखा गया? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया। द स्टोरी बिगिंस विद एन एलिगोरिकल ड्रीम इन विच द नरेटर रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम द गॉड ऑफ लव ऑन गेनिंग हिज लेडी फेवर। हर लव बीइंग सिंबलाइज्ड बाय अ रोज ही इज अनेबल टू गेट टू द रोज। द सेकेंड फ्रेगमेंट इज अ सटायर ऑन द मॉर्स ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट टू कोर्टिंग रिलीजियस आर्डर एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी। द थर्ड फ्रेगमेंट इज द गॉड ऑफ लव। थर्ड फ्रेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, गॉड ऑफ लव। तो इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? जस्ट आई वांट टू नो व्हेन व्हेन चासर वाज बोर्न। व्हेन डिड ही डाई? अच्छा, ही सर्व्ड हाउ मेनी किंग्स? अच्छा, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज लंडन पेटन? वेयर वॉज ही बरीड डाउन? अच्छा, ही हैड इन्फ्लुएंस ऑफ ओविड, कायोवानी एंड अदर। बोकैसियो, बोकैसियो का एक इम्पोर्टेंट वर्क डेकामेरॉन। और इनको और क्या क्या? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, आल्सो कॉल्ड फर्स्ट मॉडर्न पोएट। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस ही रोट? फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। ये चीज आप देख ही रहे, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश में। इनका फ्रेंच पीरियड के कौन से वर्क को आप डिस्कस कर रहे हैं? रोमन डीलर, रोमन डीलर रोज। हाँ, रोमांट ऑफ द रोज या रोमन डीलर रोज। एक ये आपका कौन, एक ऐसी पोयम है, एलिगोरिकल पोयम है। कैसी पोयम है? एलिगोरिकल, और एलिगोरिकल और लव पोयम। इसमें जो लव दिखाया गया उसका सिंबल क्या है? रोज है। या एग्जैक्टली। और ये किस कपलेट में लिखा गया है? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? ये या एट सिलेबल, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट एट एट सिलेबल को लेकर। नहीं, एट सिलेबल एंड 16 फीट कैसे? ऑलरेडी एट सिलेबल एंड 4 फीट। ऑक्टोसिलेबल, एट सिलेबल एंड 4 फीट। लव इज सिंबलाइज्ड हाउ? लव इज सिंबलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज। और जिस गॉड से मुलाकात होती है वो गॉड क्या कहते हैं? कि यू हैव टू गेट योर लव। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि द थर्ड फ्रेगमेंट उसका क्या है? दैट इज गॉड ऑफ लव। नाउ प्लानिंग टू अटैक द फोर्ट्रेस ऑफ जेलसी विद हिज बैरन। इसमें कुछ नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट उनका बुक कौन है? द बुक ऑफ डचेस, जो 1369 में आई है, रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ये भी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में है। एलिगोरिकल लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ ब्लांची ऑफ लैंकास्टर, द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। द बुक इज अबाउट हुम? द बुक इज अबाउट, इट्स एन एलिगोरिकल लैमेंट किसके ऊपर? ऑन द डेथ ऑफ ब्लांच ऑफ लंकास्टर, द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। स्टोरी बिहाइंड विद अ स्लीपलेस पोएट हु हैज सफर्ड फ्रॉम एन अनएक्सप्लेन्ड सिकनेस फॉर 8 ईयर्स lies in his bed reading a book, a collection of old stories. The book tells the story of Sykes and Elquiny. किसकी स्टोरी बताता है? Sykes and Elquiny की। The story tells of how Sykes lost his life at sea and how Elquiny, his wife, mourned his absence. Unsure of his fate, she prays the goddess Juno. कौन से गॉड का रेफरेंस है? गॉडेस Juno, to send her a dream vision. Juno sends a message to Morpheus to bring the body of Sykes with a message to Elquino. So you will come to know, यहाँ पर भी एक affair, love, God, all these things का mention किया गया है। तो आपको important चीज है कि ये क्या है? The Book of Duchess. The Book of Duchess कब आई है? 1369 में आई है। किसमें लिखी गई है? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। और यह किसकी डेथ पर मार्न करता है? ब्लांच ऑफ लंकास्टर, द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। आपको ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है। रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, द बुक ऑफ डचेस, एंड हियर यू फाइंड व्हाट? हियर यू फाइंड कि यह एक एलिगोरिकल लैमेंट है। और इसमें क्या दिखाया गया है? द डेथ ऑफ ब्लांच ऑफ लंकास्टर, द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। नेक्स्ट है अ कंप्लेंट ऑफ अ लवर्स,
लाइफ ऑफ जॉन लिडगेट इज बेस्ड ऑन इट। एक उनका और वर्क था, इसमें किसकी लाइफ को दिखाया गया, जॉन लिडगेट। उसके अलावा उनका और भी है, द कंप्लेंट अनटू पाइटी एंड एबीसी, द कंप्लेंट ऑफ मार्स, द इटालियन। अब इटालियन पीरियड आया, तो ये फ्रेंच, फ्रेंच वाले में केवल दो चीजें, द बुक ऑफ डचेस आपको ध्यान में रखना था, और कौन सी चीज ध्यान में रखना था उसके पहले, रोमन डीला रोम। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, बाकी ये सब कुछ नहीं। द कंप्लेन अनटू पार्टी एंड एबीसी, द ऑल दिस थिंग यू डोंट हैव टू गो। जो भी चीजें पूछा जाएगा सीधे कैंटरबरी टेल्स से ही सारी चीजें आनी है। लेकिन ये चीज जरूर है, ये पता होना चाहिए, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश पोएट। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना एक और पॉइंट कि फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, पहला हीरोइक कपलेट उन्होंने ही यूज किया हुआ, किसमें, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। हाँ, इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, द बुक ऑफ डचेस कब आई है, कौन से कपलेट में लिखी गई है, किसके डेथ पर इसमें मॉर लैमेंटिंग किया गया है, किसकी वाइफ रही है, जॉन ऑफ गॉन्ट की। इसके अलावा एक और स्टोरी दिखाई गई है, सेइग्स एंड एल्क्वाइनी का, सेइग्स एंड एल्क्वाइनी का। हाँ, और इसके अलावा जो है जूनो गॉड को लेकर के बात किया गया है, और जूनो गॉड के अलावा मार्फियस को लेकर इसमें बात की गई, ध्यान में थोड़ा सा रखना, लेकिन जूनो मार्फियस इस तरह से बहुत ज्यादा आना नहीं है। द कंप्लेंट अनटू पार्टी ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड, द इटालियन टेक्निकल एबिलिटी, इसमें जो इटालियन में है, टेक्निकल एबिलिटी इज हायर, ग्रोइंग कीननेस ऑफ परफेक्शन, ग्रेट स्ट्रेच ऑफ ओरिजिनलिटी। इसमें एक वर्क है एनीलिडा एंड आर्साइस, ये 357 लाइन की पोयम है, इनकम्प्लीट पोयम है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एनीलिडा अ क्वीन। एनीलिडा खुद जो है क्या है, एक क्वीन है, ये उसके नाम पर रखा गया, और यह उनका इटालियन वर्क है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एनीलिडा क्वीन ऑफ आर्मेनिया एंड हर वूइंग बाय फॉल्स आर्साइस फ्रॉम थेबेस ग्रीस। और वो जो है क्या होती है कि जो ग्रीस है, एंड हर वूइंग बाय फॉल्स आर्साइस, और उसका अफेयर जो थेबेस ग्रीस ये है उस उनके साथ दिखाया गया है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वर्क नहीं है जिस पे हमें वो करना है, लेकिन अब जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स किस में लिखा गया है, राइम रॉयल में लिखा गया है, कितनी लाइन है, 700 लाइन है। द पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल किस फॉर्म में, ड्रीम विजन में है। वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द आइडिया दैट सेंट वेलेंटाइन डे, सेंट वेलेंटाइन के बारे में सबसे पहला रेफरेंस अगर किसी में मिलता है तो किस में मिलता है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल में मिलता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ सेंट वेलेंटाइंस डे के बारे में ड्रीम विजन में है। पोयम बिगिंस विद द नरेटर रीडिंग सिसरोस सोमनियम सिस्पियोनिस द होप ऑफ लर्निंग सम सर्टेन थिंग। व्हेन ही फॉल्स असलीप सिस्पियो अफ्रीकनस द एल्डर आईपीएस एंड गाइड्स हिम अप थ्रू द सेलेस्टियल स्फीयर टू गेट प्रॉमिसिंग बोथ अ वेल ऑफ ग्रेस एंड अ स्ट्रीम दैट लीड टू द सॉरोफुल वर्ल्ड। देयर एज अ फिश इन प्रिजन इज ऑल ड्राई रिमिनिसेंट ऑफ द फेमस ग्रिमली स्क्राइब ऑल दिस थिंग यू फाइंड, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द बर्ड्स है शो चार्सर्स ट्रू कॉमिक स्पिरिट रिटन इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकेंड टू एनिया बोहिमिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तीन पॉइंट ध्यान में रखना है। पहली चीज कौन सी चीज, कि द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है किसमें लिखी गई, राइम रॉयल में लिखी गई है, कितना जो है लाइन है, 700 लाइन्स है, किस तरह की पोयम है, ड्रीम विजन है, और इसमें पहली बार किसके बारे में रिफरेंस दिया गया है, सेंट वैलेंटाइन डे का रिफरेंस दिया गया है। और यह जो है क्या है, एक ऐसी पोयम है जिसमें बर्ड्स का भी कैरेक्टराइजेशन दिखाया गया है। दूसरा चीज जो है इसमें जो है एक कनेक्शन है कि रिचर्ड सेकेंड जो किंग थे उनकी मैरिज एनिया बोहिमिया से जो हुई थी, कुछ हद तक वहाँ का भी रिफरेंस है। और यह इनका क्या है, एक ऐसा वर्क है जो इटालियन पीरियड को कवर करता है। तो इटालियन पीरियड में द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और नीचे आपका ट्रायलस और क्रेसिडा को। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में कोई प्रॉब्लम? ड्रीम विजन जो होता है वह एक एलिग्री होती है जब जो है कोई राइटर, जैसे रेवरी आपको बताया गया था, रेवरी क्या होता है, डे ड्रीम होता है,
ड्रीम विजन ये होता है कि जब कोई चीज आइडिया या कोई विचार आपको ख्वाबों में नजर आए, आप एक तरह से अनकॉन्शस लेवल पे पहुंच गए हैं, और उस अनकॉन्शस लेवल में जो कुछ आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन जब आप करते हैं तो चीज क्या कहा जाता है, ड्रीम विजन कहा जाता है। स्पेशली भी अल्टीमेटली हम सारे लोग सोते हैं, या हम सारे लोग एक कभी कभार सब कॉन्शस लेवल और अनकॉन्शस लेवल पे पहुंचते हैं, तो सब कॉन्शस और अनकॉन्शस लेवल पे जो हम ख्वाब देखते हैं, जो उस समय विचार आते हैं, उन विचारों को जब आप एक स्टोरी के फॉर्म में नरेट करते हैं या किसी को सुनाते हैं, बताते हैं, या आप ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब में ये देखा, ये मुझे, ये मेरा वो विजन रहा या ये आइडिया आया, तो उसको क्या कहा जाता है, ड्रीम विजन। आइडिया केम व्हेन यू सा इट इन द फॉर्म ऑफ व्हेन यू यू सा इट इन ड्रीम, आइडिया विच यू सा इट इन ड्रीम एंड टोल्ड अदर, दैट इज व्हाट, दैट इज अ ड्रीम विजन। क्योंकि जब आप कॉन्शस लेवल पे होते हैं वो तो रियलिटी होता है, लेकिन जब आप ड्रीम विजन में होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो रियलिटी, वो क्या हो सकता है, सब कॉन्शस होगा और अनकॉन्शस होगा। क्लियर हुआ टीपू जी? जी या अनडाउटली, जो कि ही वॉज अ मैन ऑफ ओपियम ईटर, और वो तो उसको जो बहुत ज्यादा लेकर के, दैट वॉज ऑल्सो ड्रीम विजन, कुबला खान हो भी रहा है। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज ट्रायलस एंड क्रेसिडा, रिटन ड्यूरिंग द मिड 1380, एपिक पोयम एडाप्टेड फ्रॉम बोकैसियो आईएल फिलास्टैटो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा एडाप्टेड फ्रॉम बोकैसियो आईएल फिलास्टैटो, अनफिनिश्ड वर्क है, बेस्ट नरेटिव वर्क, राइम रॉयल स्टैंजा में, राइम रॉयल स्टैंजा सेवन लाइन स्टैंजा, जो कि आपको ये हो चासरियन स्टैंजा भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स ऑफ क्रेसिडा एंड पंडारस, इसमें दो कैरेक्टर है, एक तो क्रेसिडा के बारे में और किसके बारे में बात है, पंडारस के बारे में बात है। रिवील अ न्यू सटलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंडिकेट चार्स ग्रोइंग इनसाइट इनटू ह्यूमन मोटिव, इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द लवर ट्रायलस एंड क्रेसिडा सेट अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ वॉर ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय। इसमें किसका जिक्र किया गया, सीज ऑफ ट्रॉय का जिक्र किया गया है। दिस पोयम इज ऑफन कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ, दिस पोयम इज ऑफन कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ द फ्रेज ऑल गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे यह जो पोयम है ऐसा देखा जाता है कि इसमें एक फ्रेज है और उस फ्रेज को यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, ऑल गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड, कि हर अच्छी चीज का समापन होता है। रॉबर्ट हेनरीजन स्कॉट पोयम द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडा इमेजिन अ ट्रेजिक फेट फॉर क्रेसिडा नॉट गिवन बाई चासर, शेक्सपियर ट्रेजेडी ट्रायलस एंड क्रेसिडा इज बेस्ड ऑन इट। एक और पॉइंट ये चीज है, शेक्सपियर ट्रेजेडी ट्रायलस एंड क्रेसिडा इज बेस्ड ऑन इट। मैं स्लाइड को बैक कर रहा हूँ, और जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, ट्रायलस और क्रेसिडा पर। ट्रायलस और क्रेसिडा कब लिखी गई है, इसमें किसको एडेप्ट किया गया है, ये एक उनका अनफिनिश्ड वर्क रहा है, बेस्ट नैरेटिव है, और राइम रॉयल स्टैंजा, राइम रॉयल स्टैंजा कितने लाइन का होता है, सेवन लाइन स्टैंजा, जिसमें दो कैरेक्टर को, दो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बताए गए, कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट पंडारस। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि ये जो है इसमें एक वार का भी जिक्र किया गया, कौन सा वार है, सीज ऑफ ट्रॉय का जिक्र किया गया है, और एक जो बहुत ही फेमस फ्रेज है उस चीज को यहाँ पे इसको देखा जा सकता है कि अप्लाई किया जा सकता है, वो फ्रेज क्या है। ठीक है, या इसके अलावा जो है शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जो इस पर आधारित है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा का। तो नाउ यू हैव डन इट, कोई बहुत दिक्कत नहीं, इंफॉर्मेटिव है, उसमें बहुत ऐसी वो बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट जो उनका है, द हाउस ऑफ फेम प्रोबेबली रिटन 1374 एंड 1385, ये भी ड्रीम एलिग्री है, रिटन इन ऑक्टो सिलेबिक कपलेट है, पैरोडीज दांतेस द डिवाइन कॉमेडी, बाद में ऐसा लगता है कि दांते की डिवाइन कॉमेडी को फॉलो किया गया है, 2005 लाइन लॉन्ग है। चासर यूजेस अ नेम नरेटर इन बोथ द बुक ऑफ डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम,
विच इम्प्लाइज अ कॉमिक वर्जन ऑफ द गाइड नरेटर रिलेशनशिप ऑफ दांते एंड वर्जिल इन द कॉमेडिया। ऐसा लगता है कि दांते का जो है द हाउस ऑफ चौथर यूजेस, हाँ इसमें, और इसमें ऐसा लगा कि जैसे दांते और वर्जिल की स्टाइल को इसमें फॉलो किया गया है द हाउस ऑफ फेम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1374 से 1385 के बीच में आई है। क्या है, ड्रीम एलिग्री है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में है, और ऐसा लगता है दांते की डिवाइन कॉमेडी का यह पैरोडीज है। पैरोडीज किसका, दांते द डिवाइन कॉमेडी 2005 लाइन में अरिजीत सिंह की डिफाइन। तो नाम ये ध्यान में रखना है कि द हाउस ऑफ फेम उनका इटालियन वर्क रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ड्रीम एलिग्री है, अनफिनिश्ड है। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इज चासर थर्ड लॉन्गेस्ट पोएम, इंटेंशन ऑफ टेलिंग 19 टेल्स ऑफ वर्चुअस वीमेन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जिक्र किया गया किसका, वर्चुअस वीमेन का, फिनिशेस विद 8 एंड 9 ओनली बिगन। इसमें 8 कहानी तो सही कंप्लीट हुई है, लेकिन 9वीं केवल शुरू हो पाती है। क्लियोपेट्रा के बारे में बात की गई है, थिस्बी के बारे में, डीडो के बारे में, ये तमाम महिलाएं हैं जिनको लेकर के इसमें बात किया गया। फर्स्ट नोन अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट, पहली बार ये कहा जाता है हीरोइक कपलेट का इसमें यूज किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ऐसा ज्ञात होता है कि पहली बार हीरोइक कपलेट अगर कहीं पर यूज किया गया तो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, और वह उनका इटालियन वर्क रहा। और यह पोयम किसके बारे में, यह पोयम अबाउट द वर्चुअस वीमेन के बारे में, 19 टेल्स ऑफ वर्चुअस वीमेन ऑफ एंटीकिटी। पोयम इज रिटन बाय द रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑफ बोहिमिया, इस चीज इंपॉर्टेंट, किसके रिक्वेस्ट पर लिखा गया, एनी ऑफ बोहिमिया हु केम टू इंग्लैंड इन 1382 टू मैरी रिचर्ड सेकेंड। दिस पोयम मेक चौसर एन अर्ली पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। करें इस पोयम ने जो है चौसर को एक तरह से एन अर्ली पोएट, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ये फिर मैं, दिस पोयम मेक चौसर एन अर्ली पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉरिएटशिप वहां से शुरू हो गया था, केवल ये चौसर कोर्ट में नजदीकी पहुंच गए थे, चूंकि रिचर्ड सेकेंड को लेकर के उन्होंने लिखा और उनकी वाइफ एनिया बोहिमिया को लेकर के लिखा, तो इस वर्क का थोड़ा सा क्या हुआ कि वेलकम किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक तरह से कि लॉरियरशिप, लॉरियरशिप कहाँ से शुरू होता है, बेन जॉनसन से ही शुरू होता है। द पोएट रिकाउंट्स 10 स्टोरीज ऑफ वर्चुअस वीमेन इन 9 सेक्शन। टेनिसन यूज द पोयम एज थीम फॉर हिज ओन अ ड्रीम ऑफ फेयर वीमेन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, ये पॉइंट आपको और थोड़ा सा मुश्किल है कि और जगहों पे मिले। ये पॉइंट है कि टेनिसन ने इस पोयम को यूज किया है किसमें, अ ड्रीम ऑफ फेयर वूमेन में, रिचर्ड सेकेंड एंड एनिया बोहिमिया के बारे में है, और ये क्या है, टेनिशन ने इसका यूज किया हुआ है। मैं फिर से स्लाइड को बैक करता हूँ, जस्ट वांट टू नो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन क्यों फेमस है, क्योंकि सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज इसमें किया गया। इसमें 19 टेल्स बताया गया किसके बारे में, वर्चुअस वीमेन के बारे में ऑफ एंटीकिटी। यह ड्रीम एलिग्री है, अनफिनिश्ड है, थर्ड लॉन्गेस्ट पोयम है, पहली बार हीरोइक कपलेट का यूज किया गया, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यह उनका इटालियन वर्क है। और यह जो पोयम है किसके रिक्वेस्ट पर लिखा गया था, एनी ऑफ बोहिमिया हु केम टू इंग्लैंड इन 1382 टू मैरी रिचर्ड सेकेंड। और ऐसा कहा जाता है कि इस पोयम को लिखने के वजह से पोयट जो ये थे वो काफी करीब हो गए थे किंग के। यू फाइंड दिस थिंग, उसके अलावा जो है आप एक चीज और, उसके अलावा आप एक और पॉइंट पाते हैं, वह कौन सा पॉइंट है, दैट इज अ इंग्लिश पीरियड। इंग्लिश पीरियड इस पे इंपॉर्टेंट है, खासकर कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट, कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज दैट रन टू ओवर 17,000 लाइन, रिटन इन मिडिल इंग्लिश हीरोइक कपलेट। मिडिल इंग्लिश का मतलब है मिडलैंड डायलैक्ट, एक डायलैक्ट उस समय बोली जाती थी, उसका क्या नाम है, मिडलैंड डायलैक्ट। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चौसर यूज्ड विच डायलैक्ट, चौसर यूज्ड मिडलैंड डायलैक्ट, किसमें लिखा गया, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, बेस्ड ऑन बोकैसियोस डिकामीरान। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, हीरोइक कपलेट में है बोकैसियोस का डिकामीरान, इसेंशियली इंग्लिश। इसी का प्रोलॉग क्या है, पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी, इसको पोर्ट्रेट गैलरी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में विभिन्न कैरेक्टर्स को लेकर वहां बात की गई है। फिर
पेन पिक्चर ऑफ 21 पिलग्रिम्स, कितने 21 पिलग्रिम्स हैं, 29 पिलग्रिम्स के बारे में बात किया गया, 31 इंक्लूडिंग चासर एंड हैरी बेली। अगर हैरी बेली को सम्मिलित कर लिया जाएगा तब तो 31 आएंगे, और अगर हैरी बेली को सम्मिलित नहीं किया जाता, केवल चासर को लिया जाता तो 30 कैरेक्टर। द हॉस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, और इसमें द जज ऑफ स्टोरीज, टैबर्ड इन, ये चीज है कि ये लोग कहाँ पे जाते हैं, टैबर्ड इन जाते हैं। टू रिलीव द टीडियम ऑफ द जर्नी, ईच ऑफ द पिलग्रिम इज टू टेल टू टेल्स ऑन द आउटवर्ड जर्नी एंड टू ऑफ द रिटर्न। कह रहे हैं कि जो यात्रा है उसकी बोरियत से बचने के लिए ये डिसाइड किया जाता है कि सारे पिलग्रिम्स दो कहानी जाते समय बताएंगे और दो कहानी वापस आते समय बताएंगे। तो यू विल कम टू नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोलॉग, और इस प्रोलॉग में क्या दिखाया गया, यह 14th सेंचुरी का पोर्ट्रेट गैलरी है। इसमें 21 पिलग्रिम्स का पिन पिक्चर, 21 पिलग्रिम्स 21 पिलग्रिम्स के कैरेक्टर को बात की गई है, पिन पिक्चर्स ऑफ 21 पिलग्रिम्स। पूरे कैंटरबरी टेल्स में, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में 21 कैरेक्टर को चित्रित किया गया है। टोटल कैरेक्टर कितने रहे हैं, 29 तो पिलग्रिम्स हैं, लेकिन दो एक तरह से उसमें आथर हैं। दो आथर कौन कौन से हैं, चौसर और हैरी बेली, ये चीज ध्यान में रखना है। और द होस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, जो हैरी बेली है वो एक तरह से होस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स है। जज ऑफ स्टोरीज, टैबर्ड इन, और ये सब कहाँ पे जाते हैं, टैबर्ड इन में जाते हैं, और ये डिसाइड किया जाता है कि दो कहानी आते समय, दो कहानी जाते समय वे बताएंगे। द बेस्ट नरेटर वुड बी गिवन अ सपर, और ये डिसाइड किया जाता है जो सबसे अच्छी कहानी बताएगा उसको अच्छा खाना खिलाया जाएगा, बाय द रेस्ट ऑन रिटर्न टू द टैबर्ट, जब जो है टैबर्ट से वापसी होगी। टोटल कितनी स्टोरीज है, 24 स्टोरीज है, फिनिश्ड ओनली 20, केवल जो है 20 स्टोरीज कंप्लीट हो पाती है, 4 पार्टली कंप्लीट, 4 जो है पार्टली कंप्लीट होती है, मतलब 20 स्टोरीज कंप्लीट हो पाती पूरी तरह से, और 4 जो है आंशिक रूप से कंप्लीट यहाँ दिखाया गया है। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मिलिट्री प्रोफेशन है, जिसमें एक नाइट है, स्क्वायर है, योमैन है, द इक्लिसियास्टिकल है, इक्लिसियास्टिकल जो धर्म के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, प्रायोरिस है, नन है, मॉन्क है, फ्रायर है, असावनर है, पार्डनर है, पुअर पार्डनर है, क्लर्क है, टू प्रोज टेल्स है, टेल ऑफ मेलिबियस, चासर ओन टेल, द पार्डन्स टेल, नाइट्स टेल, फाइनेस्ट वर्क एज ए नरेटिव पोएट। जो नाइट्स का टेल है वह सबसे बेहतरीन माना गया है। बिगिंस विद नाइट्स टेल, किससे शुरू होता है, नाइट की कहानी से, एंड एंड्स विद पार्डन्स टेल, ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे बेहतरीन कहानी कौन सी, नाइट्स टेल है, और नाइट्स के टेल से शुरू होती है, पार्सन के टेल से खत्म होती है। चार्सर्स ओन टेल्स क्या है, टेल ऑफ द सर टॉप्सा एंड टेल ऑफ मेलिबियस, पालमन एंड आर्टसाइड बेस्ड ऑन बुकेसियोस हिस्टीरिया रिवाइज्ड एज द नाइट्स ऑफ टेल। सो यू फाइंड दीज थिंग जो यहाँ पे आपका रहा है। तो जस्ट आई वांट टू नो कि सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है, नाइट के अटेंडेंट का क्या नाम है, या नाइट का जो इस अटेंडेंट है वो स्क्वायर है, कौन है, हाँ सब स्क्वायर, सब सबसे आइडियल कैरेक्टर कौन है, नाइट। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको अगर नहीं आ रहा तो आप इसको अलग से अपना कहीं नोट कर लीजिएगा। जो चासर का कैंटरबरी टेल्स है वो नाइट से शुरू होता है और किससे खत्म होता है, पार्डन टेल से खत्म होता है। नाइट सबसे आइडियल कैरेक्टर है, नाइट का अटेंडेंट स्क्वायर है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें तमाम तरह के जो है आपके इक्लिसियास्टिकल कैरेक्टर हैं, और जो इक्लिसियास्टिकल कैरेक्टर हैं, प्रायरेस हैं, नन है, मॉन्क है, फ्रायर है, सामनर है, पार्डनर है, पुअर पार्डन है, क्लार्क ऑफ ऑक्सफोर्ड है। इसके अलावा तमाम प्रोज टेल्स हैं। तो ये सब जितनी बातें की गई है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। और ये किताब किसमें लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी मिडलैंड डायलेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और यह जो है क्या कहा जाता है, इसको जो है चासर का आर्ट ऑफ गैली, पोर्ट्रेट ऑफ गैलरी कहा गया, क्या कहा गया है, हाँ आर्ट ऑफ गैलरी। और इसमें जो है इस किताब को लेकर के जॉन ड्राइडन ने कहा है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी,
ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। जॉन ड्राइडन सेड हियर इज गॉड्स प्लेंटी, कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने कहा। जी लोगों ने म्यूट नहीं किया, म्यूट कर लें। हियर इज गॉड्स प्लेंटी, या आई कैन हियर यू। नहीं, ये स्क्वायर इज अटेंडेंट, स्क्वायर इज हिज सन नाइट का। स्क्वायर इज सन, अच्छा लेट मी चेक इट अगेन, बट आई थिंक कि हिज अटेंडेंट वॉज स्क्वायर। या तो मैं मिस कर रहा हूँ या तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर ऐसी चीज है तो आई विल चेक इट, बट यू हैव टू नोट डाउन जो आप कह रहे हैं, आप उसी को नोट करिएगा। लेकिन मैं बहुत ही मतलब मुझे इन सो मेनी प्लेसेस आई जस्ट टोल्ड दिस पार्टिकुलर पॉइंट, बट आई विल चेक इट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कैंटरबरी टेल्स है वह उनका एक इंडिविजुअल एकम्पलिशमेंट है, उन्होंने अकेले इस काम को किया है। इसमें कितनी स्टोरीज है, 24 स्टोरीज है, और ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन बोकैसियोस डी के मीरान, और मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया गया है। 17,000 लाइनें इसमें हैं, और उसी से जुड़ा हुआ उनका वर्क प्रोलाग है। प्रोलाग 14 सेंचुरी का उनका पोर्ट्रेट गैलरी है, और 21 पिलग्रिम्स हैं, पिन पिक्चर मतलब 21 पिलग्रिम्स को वहां पे चित्रित किया गया। 21 पिलग्रिम्स के कैरेक्टर को लेके पूरा प्रोलाग में बात की गई है। लेकिन जो कैरेक्टर मेंशन किए गए हैं, कितने कैरेक्टर हैं, 31 कैरेक्टर है, चासर और हैरी वेली को लेकर के। और अगर इनको निकाल दिया जाए तो केवल 29 पिलग्रिम्स हैं, क्योंकि चासर को पिलग्रिम नहीं कहा जा सकता, हैरी बेली को नहीं, क्योंकि हैरी बेली वहां के होस्ट है उन पिलग्रिम्स के। और ये लोग कहाँ जाते हैं, टाइबर्ड इन जाते हैं। और ये लोग किसकी जो है पवित्र श्राइन पे जाते हैं, थॉमस बेकेट, या थॉमस बेकेट की पवित्र श्राइन पर जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि थॉमस बेकेट के पवित्र श्राइन पर वो लोग जाते हैं। और जब जाते हैं तो क्या डिसाइड किया जाता है, कितनी कहानियां बताएंगे। या आंसर रिटर्न टू आंसर रिटर्न, या और जो सबसे अच्छी कहानी बताएगा उसको क्या किया जाएगा, या उस अच्छा टोटल कितनी कहानी होती है, 24 कहानी है, लेकिन कंप्लीट कितनी होती है, पार्शियल कंप्लीट कितनी है, 4। उसके बाद आपने कैरेक्टर देखा कि कैरेक्टर का डिवीजन कैसे है, और उसमें फिर आपने देखा कि कौन सी वो कहानी है जो प्रोज टेल में, ये चीज पूछा जा चुका है, प्रोज टेल में जो कहानी है टेल ऑफ मिलीबियस है, और द पार्सन टेल, ये प्रोज टेल में है। उसके बाद है द फ्लावर एंड द लीफ, द फ्लावर एंड द लीफ है उनका, ड्रीम एलिग्री है, द कोर्ट ऑफ लव, ये प्रोज है, ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलेबा लेबल एस्ट्रोलेबी, ट्रांसलेशन ऑफ बोइथियस, कॉन्सुलेशन ऑफ फिलासफी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही आप इसको ध्यान में रखिएगा। चासर डायलेक्ट, चासर ने जिस डायलेक्ट का यूज किया कौन सा, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। द प्लान ऑफ द वर्क इज मैग्निफिसेंट टू रिप्रेजेंट द वाइड स्वीप ऑफ इंग्लिश लाइफ बाई गेदरिंग अ मॉटले कंपनी टूगेदर एंड लेटिंग ईच क्लास ऑफ सोसाइटी टेल इट्स ओन फेवरेट स्टोरीज, दो द ग्रेट वर्क वॉज नेवर फिनिश्ड, चासर सक्सीडेड इन हिज, दो द ग्रेट वर्क वॉज नेवर फिनिश्ड, चासर सक्सीडेड इन हिज पर्पज सो वेल दैट इन द कैंटरबरी टेल्स ही हैज गिवन अस अ पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ। In the Canterbury Tales, he has given the picture of contemporary English life. ये चीज important है। It's the fun and sympathy and hearty of living. अगर एक question आता है कि चासर ने Canterbury Tales में क्या बताया है,
कंटेम्परेरी इंग्लिश लाइफ को लेकर उन्होंने प्रेजेंट किया है। आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके 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 दैट्स गुड। तो चासर ने किस लैंग्वेज का यूज किया है? चासर ने कैंटरबरी टेल्स में किसके बारे में बात किया है? कंटेम्परेरी इंग्लिश लाइफ। चासर के इन कैरेक्टर को लेके किसने कहा, हियर इज गॉड्स अ प्लेंटी? जॉन ड्राइडन ने। चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा है? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री अर्नोल्ड ने कहा है। इज इट सेड बाय अर्नोल्ड या इज इट सेड बाय जॉन ड्राइडन? मैथ्यू अर्नोल्ड का जो स्टेटमेंट है, अच्छा अर्नोल्ड का रहा, मुझे याद आ रहा मैथ्यू अर्नोल्ड का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि विद हिम बिगिंस आर रियल पोइट्री। ये स्टेटमेंट कि उनके साथ हमारी वास्तविक पोइट्री की शुरुआत होती है। आप एक बार इसे चेक। अच्छा दूसरा चीज ये कि चासर को, अब देखिए अभी तक तो आपने ये समझा, लेकिन चासर को और क्या क्या, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट क्या कहा जाएगा? फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, फादर ऑफ, हाँ अर्नोल्ड ने, अच्छा ठीक है, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट हो गया, दूसरा चीज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हो गए, तीसरा चीज फादर ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड, ये आप लिख लीजिए। नहीं, फादर ऑफ रिनेशा नहीं कहा जाएगा, वो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा। When you talk about child of Renaissance, you find two things. कभी कभी ये चीज जो है जॉन मिल्टन के साथ भी यूज किया गया है, लेकिन अक्सर करके देखा गया मैकियावेली, हाँ मैकियावेली के साथ। चासर को क्या कहा जाएगा? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है चासर को लेकर के, वो कौन सा पॉइंट है कि चौसर ने जितनी भी चीजें की हुई हैं उन सारी चीजों में उन्होंने सटायर का यूज किया है, आयरनी का यूज किया है, वो भी लाइट सटायर। तो फादर ऑफ, अगर ये कहा जाए कि फर्स्ट पोएट, फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु यूज्ड सटायर एंड आयरनी, फर्स्ट इंग्लिश पोएट, हाँ चौसर ने, फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु यूज्ड आयरनी एंड सटायर, फर्स्ट इंग्लिश एलिगोरिकल पोएट, उनके साथ बहुत फर्स्ट जुड़ेगा। फादर ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड, फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु यूज्ड आयरनी एंड सटायर, फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु कंपोज्ड एलिगोरिकल पोएम। दूसरा चीज फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर, ये सारी चीज आप लिख लीजिएगा, फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। उसके बाद आप देखते हैं कि नो अदर सिंगल वर्क ऑफ लिटरेचर हैज इवर इक्वल्ड, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट इन लैंग्वेज। लॉवेल ने, ये टॉमस लॉवेल ने कहा, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। उसके बाद जो है स्पेंसर ने कहा है कि हिज एवाइडेंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस, द प्रोलॉग ऑफ मॉडर्न फिक्शन, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, मतलब मॉडर्न फिक्शन का भी वहीं से शुरुआत होती है, नैरेटिव यूनिटी है, विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये बात ड्राइडन ने कहा है। चासर ह्यूमर इज अ ह्यूमर इन द ग्रांड स्टाइल, जी के चेस्टर्टन ने कहा है। पोएट्स हु हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई चासर, स्पेंसर और मिल्टन, ड्राइडन, कीट्स, टेनिशन, स्विनबर्न, रॉबर्ट ब्रिज, उनका एक वाल्टर डी ला मेयर, जॉन मैंसफील्ड, जॉन लिडगेट एंड थॉमस ऑकलिव वर एमंग द फर्स्ट क्रिटिक्स ऑफ चासर टेल्स
praising the poet as the greatest English poet of all the time and the first to show what the language was truly capable and poetically. The Two Noble Kinsmen by William Shakespeare and John Fletcher, a retelling of the Knight's Tale, was first performed in 1613 or 1614 and published in 1634. तो यू फाइंड दीज थिंग्स, और यहाँ पे मैं कुछ चीजें जो है वो कर रहा हूँ. एक चीज तो देखिए यहाँ पे ये टाइप गलत, विद विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री, ये बात किसने कही है? ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है, विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री. इसके सामने स्पेंसर आया हुआ है. दूसरा चीज है हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये बात किसने कही है? ड्राइडन ने कही है, ये तो अभी मैंने आपको लिख पाया था. चासर के ह्यूमर को लेकर के और उनकी स्टाइल को लेकर किसने बात किया हुआ? जीके चेस्टर्टन ने. ये जो यहाँ स्पेंसर आया हुआ, इस स्पेंसर की जगह आपको क्या लिखना है? मैथ्यू अर्नोल्ड, विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री. और ऊपर जो दिया गया है ये एक स्टेटमेंट है, एमिल लॉवेस का स्टेटमेंट है, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज. वो जो है इंग्लिश को एक डायलेक्ट के बोली के रूप में पाए थे, लेकिन उन्होंने उसको एक लैंग्वेज में तब्दील किया. ये बात कौन कहा? लॉवेस ने कहा हुआ है. और ये चीज जो है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, ये बात स्पेंसर ने कहा होगा. ये चीज हाँ यहाँ पे है, ये चीज हो सकता है. सो यू फाइंड दिस थिंग अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी चीज को लेकर के. सबसे पहला चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेन यू गो विद दिस मैन, आपको क्या चीज ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंग्लिश पोएट, एक तरह से कहा जाए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री या रियल पोइट्री. दूसरा चीज जो है फादर ऑफ नरेटिव टेक्निक, फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर, फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु यूज्ड हीरोइक कपलेट इन हिज बुक लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, कैंटरबरी टेल्स इज आल्सो रिटन इन हीरोइक कपलेट, हियर इज गॉड्स प्लेंटी जॉन ड्राइडन. उसके अलावा इन्होंने सटायर और आयरनी का यूज किया है, नैरेटिव टेक्निक का इन्होंने यूज किया हुआ है, इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर की बात इन्होंने किया हुआ है, लाइट सटायर का यूज किया हुआ है. All these things you find. So whatever I told you, ये सब चीजें रही है. दूसरा चीज जो कैंटरबरी टेल्स है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो किससे? इट बिगिंस विद द रेफरेंस ऑफ अप्रैल मंथ, अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड शार, इस तरह की शुरुआत हुई है. अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड शार. Did you get it? Just I want to know कि केवल चीजों को हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज उन्होंने किसमें किया है? लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में. कौन ये कहा कि विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री? मैथ्यू अर्नोल्ड. यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइप में एरर है, टाइप को एरर है, स्पेंसर यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन वो हुआ है. और किसने ये कहा था? ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट लैंग्वेज, लॉवेस ने कहा है. द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, नहीं, वो स्पेंसर, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड दैट इज स्पेंसर, लेकिन ही फाउंड इंग्लिश आर डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, ये लॉवेस का है. जी बताइए. भैया असल में देखिए हुआ क्या है कि जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है वह उसी का हिस्सा है. कैंटरबरी टेल्स और प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स यह अगर देखा जाएगा तो यह एक ही वर्क है, लेकिन उसमें से जो प्रोलॉग जोड़ा गया वह केवल उतनी ही बातें करता है
जितने की 19 कैरेक्टर को वहां पे चित्रित किया गया है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज द पार्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स कंप्लीट वर्क है, लेकिन उस कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, दैट इज द पार्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स। क्योंकि जो कैंटरबरी टेल्स है वो 17,000 लाइनों में, कितनी हजार लाइनों में, सेवन, हाँ, उसी के उस हिस्से को अलग किया गया जो सिलेबस में हम लोगों के एमए में पढ़ाया जाता है। वो कौन सा हिस्सा है? प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 19 कैरेक्टर्स को लेकर के चित्रित किया गया। या प्रोलॉग का मतलब कि द पार्टिकुलर प्रोलॉग विच इज एडेड इन कैंटरबरी टेल्स, ओनली दैट पार्ट। हाँ हाँ दोनों मिला के, लेकिन हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो केवल प्रोलॉग ही पढ़ाया जाता है। तो इस तरह की चीजें रही हैं। तो चौसर में कोई ऐसा बहुत नहीं है, इंफॉर्मेटिव है, उस इंफॉर्मेटिव को आपको ध्यान में रखना। हाँ, ये क्वेश्चन और जरूर पूछा जा सकता है कि चौसर का जो बुक है कैंटरबरी टेल्स, इट बिगिंस विद व्हाट, इट बिगिंस कि अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड शार्क, लेकिन अप्रैल इज द क्रूवेलेस्ट मंथ, इसका जिक्र किसने किया है? यस इलियट ने, द वेस्ट लैंड, नहीं द वेस्ट लैंड में, वेस्ट लैंड में। तो नाउ वी हैव गॉन, आज हम लोगों ने किसको बात कर ली, आज हम लोगों ने इनको बात कर लिया है। और गुड मॉर्निंग राकेश जी, बिल्कुल पूछिए। देर आर द 30 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द पोएट, ये तो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन जब भी बताया गया होस्ट को लेकर नहीं। अभी जब वहां पे आया हुआ तो दो नाम वहां पे आया हुआ है ना, एक तो जो है पोएट का नाम आया हुआ है और एक हैरी बेली का नाम आया हुआ है। हैरी बेली कौन है? हैरी बेली होस्ट है। होस्ट किसको कहा जाता है? जो कि मेजबान होता है, जब जो 30 कैरेक्टर्स का स्वागत कर रहा है, वो भी तो एक है ना वहां पे। तो ये मैंने बताया कि जब आप इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तब कितने कैरेक्टर हो जाएंगे? 31। लेकिन पिलग्रिम्स कितने हैं? 29 है। पोयट को इंक्लूड करेंगे तो कितने होंगे? 30, 30 हो जाएंगे। हैरी बेली को इंक्लूड करेंगे तब कितने हो जाएंगे? 31। ये बात इसलिए ब्रेकेट में करके वहां पे वो बताई गई है। तो नाउ आई थिंक कि वी हैव डन चासर एंड जस्ट सेंडिंग यू चासर, और चासर के साथ साथ जानकी। लेकिन मैं आपको एक बार फिर इससे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आप कोशिश करके जानकीर्त का जो बताया गया है वो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि कल जानकीर्त में बहुत बेहतर नहीं करा पाया था। दूसरा चीज है कि चौसर हमने पूरी तरह से करा दिया, जिसमें मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की, यू ऑल्सो रिस्पॉन्डेड मीन, मुझे लगता है आप भी उससे सेटिस्फाइड है, आपको मिला हुआ है वो चीजें। उतना बेहतर मैं जानकीर्त नहीं करा पाया। जानकीर्त को मैं जो है, जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वह उनके ओड को लेकर के पूछा जाता है। तो हो सकता है कि शाम की क्लास में अगर मैं आऊं तो मैं उनके ओड को लेकर के बात करूं, लेकिन उससे पहले आप उनसे रिलेटेड चीजें नोट करके रखिएगा, उनके ओड या उनकी और चीजों को लेकर। ठीक है, तो मैं भी जस्ट, जी हाँ, पूरे नहीं, प्रोलॉग और जो कैंटरबरी टेल्स है, कैंटरबरी टेल्स नहीं, 19 कैरेक्टर्स को चित्रित किए गए जिनके बारे में डिटेल में बात हुई है, लेकिन नाम सही जो मेंशन किए गए हैं, दे आर हाउ मेनी कैरेक्टर, दे आर 31 कैरेक्टर। दोनों में अंतर कोई नहीं है, जो 31 कैरेक्टर्स यहाँ पर है वही 31 कैरेक्टर्स जो आपके उसमें भी है, कैंटरबरी टेल्स में भी है। बस यही फर्क, यही है फर्क, एक यही है कि कैंटरबरी टेल्स की जब आप बात करते हैं तो कैंटरबरी टेल्स जो है एक बहुत ही 17,000 लाइन का एक बड़ा वर्क हो जाता है, और उस वर्क में तमाम स्टोरीज को भी डिटेल में बताया जाता है। इसमें जो स्टोरीज ली गई है या जिनके बारे में स्टोरीज के जिनके बारे में बात बताई गई है, वे वही 19 कैरेक्टर है, जैसे आपके कौन हो गए, नाइट हो गए, स्क्वायर हो गए,
और क्या कहते हैं कि एक और जो इक्लिसियास्टिकल कैरेक्टर प्रायोरिस है, मॉन्क है, ऑक्सफोर्ड क्लर्क है, इस तरह से 19 कैरेक्टर्स को लेकर के उनके ऊपर बात किया गया है। और जो आपका कैंटरबरी टेस्ट में जाएंगे तो ये जितने कैरेक्टर हैं 31, इन सब का डिटेल में बात किया जाएगा। गुड मॉर्निंग। इसलिए देखिए, जब वो एक शुरुआत था, एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनके वर्क अनफिनिश्ड क्यों है, वह एक टाइम का शुरुआत होता था। और होता क्या था कि ऐसा नहीं था कि लिटरेचर बहुत डेवलप हुआ था, और सबसे ज्यादा चीज कि जो आपका लैटिन लैंग्वेज है और फ्रेंच लैंग्वेज है, इसके आगे इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वजूद नहीं था। आप देखिए, इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, डायलेक्ट थी। इंग्लिश कोई भाषा नहीं थी। भाषा और डायलेक्ट में अंतर होता, एक होती है बोली जो लोकल स्तर पे बोली जा रही, एक होती है भाषा जो कि उसका एक नेशनल इंटरनेशनल एक उसकी रिकॉग्निशन। हाँ, तो होता क्या था कि जब इतना सारी चीजें आती थी तो चासर को जैसे जैसे लोग मिलते गए, जैसे उन्होंने थ्री सर किंग को सर्व किया, उन्होंने तीन लैंग्वेज में भी बात की, तो होता क्या था, जैसे आपने इसको शुरू किया, अब शुरू करने के बाद वो चीज क्या हुआ, फिर आपने इसको पूरा नहीं किया, दूसरा चीज आपने शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चासर जो थे वो इंटेंशनली कोई बहुत बड़े पोएट उस समय नहीं रहे होंगे, बाद में उन्होंने जो काम किया, चूंकि शुरू में इन्होंने किया, उनके जमाने में और कोई नहीं था तो इनके काम को लोगों ने पाया, तो बाद में इस पे वर्क हुआ, तो ये कह दिया गया कि चासर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत इस्टेब्लिश्ड राइटर रहे होंगे या बहुत ही ऐसे बड़े पोएट रहे होंगे कि जिनका एक वो था कि टारगेट था कि हमें पैराडाइज लास्ट लिखना है, पैराडाइज रिगेन लिखना है। अब जैसे अगर आप ये देखिए कि स्पेंसर एक इस्टेब्लिश पोएट रहे, स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखने की सोची थी कई किताबों में, लेकिन वो 6 ही लिख पाए। उसके 6 लिखने के पीछे वो था कि कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि पैलेस में आग लग गई थी, 7वीं किताब जल गई, 6 ही मिलती है, या वो जो है दुनिया से को छोड़ के चले गए। लेकिन एक उनका प्री प्लान होता था, इनके किसी वर्क में ये नहीं मिलता है, या एक बहुत ही सिस्टमेटिक या प्री प्लानिंग से उन्होंने लिखा, कभी इस भाषा में, कभी उस भाषा में, कभी उस भाषा में, टुकड़ों में चल रहा है। तो अब पता चली उन्होंने उसको उतना लिखा, फिर उसको उन्होंने छोड़ दिया, वो उनका मन जहां तक हुआ। बाद में जब लोगों ने उसको पाया तो एक एक चीज को क्या किया, जोड़ा कि ये चासर का वर्क है, चासर ने इंग्लिश में भी काम किया, इसमें भी काम किया, इसमें भी काम किया, या इनका अनफिनिश्ड वर्क रहा है। तो एक जैसे होता है ना, स्किपिंग टाइप का नेचर रहा है। लेकिन जो मास्टरपीस है, वो आपका कौन सा मास्टरपीस है, दैट इज ओनली वन, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज अ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स आपको जो है जितनी बातें की गई है, जो चीजें, इसको आपको समझना पड़ेगा और भी चीजें उससे जोड़नी पड़ेगी आप। ठीक, ओके ओके। तो आई थिंक कि मैं भी इसको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जो है जब भी समय मिलेगा कर लीजिएगा। और आज सारा कंसेंट्रेशन आपका केवल जानकीर के ओड पर होना चाहिए। और आप ये समझिए कि अब ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा एक राइटर और लेना है, यष्टि कॉलरिज। जैसे ही यष्टि कॉलरिज मैं लूंगा, हो सकता है कि कल मैं लूँ, तो आपका रोमैन इधर चौसर से लेकर के विक्टोरियन एज पूरा एक फाइनल टच हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, मॉडर्न एज बचेगा। मॉडर्न एज में कई राइटर हैं, जैसे टी एस एलियट है, जी बी शाह है, और उसके अलावा आपके जो है हैरोल्ड पिंटर है, ये सब राइटर बचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे कवर करेंगे मॉडर्न। जी हाँ, देखिए उनके वर्क को नहीं पढ़ना है, उनको केवल क्रिटिक के रूप में पढ़ना है। लेकिन अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा करने के अलावा। मेरी बात समझिए, यष्टि कॉलरिज ऐसे राइटर है कि चाहे वो टीजीटी का आदमी होगा, चाहे पीजीटी का आदमी होगा, उनके क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कोई चीजें बहुत हो, और जो उनको एज अ क्रिटिक आपको पढ़ना है, वो केवल बायोग्राफिया लिटेरिया को पढ़ना है, वो आधा घंटे का काम है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम जनरली थोड़ा सा एक और भी चीजें उसके ऊपर बात कर लें, एक दिन की क्लास। जी सरफराज जी बताइए। ड्रीम एलिग्री और एलिग्री में अंतर है। अंतर ये होता है कि एलिग्री का मतलब होता है कि एक तरह का नरेशन, एक ऐसी कहानी जिसमें सेकेंडरी मीनिंग हो, लेकिन जब वही कहानी जो है
उस समय सुनाई जाती है जब राइटर जो है ड्रीम देखता रहता है, तब उसको ड्रीम एलिगरी कहा जाता है। एनी स्टोरी विच हैज सेकेंडरी मीनिंग बट इट वॉज नरेटेड विद ड्रीम विजन देन दैट इज ड्रीम एलिगरी। बात मेरी समझ में आ रही है? ड्रीम का मतलब उसके साथ ड्रीम एलिग्री हो गया। ड्रीम अगर आपका शब्द आया तब आपको कोई अनुभव नहीं करना, बस ये समझना है कि ये जो एलिग्री है या जो कहानी है, या कहानी ख्वाबों में देखी गई थी और उसी ख्वाबों वाली कहानी को यहाँ पे नरेट किया जा रहा है। उसमें क्या दिखाया जाता है कि पोएट को नींद आ गई और वह नींद में ख्वाब में देखता है कि वह इससे मिलने जा रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो यही आपका ड्रीम विजन होता है, यही आपकी ड्रीम एलिग्री होती है। उसमें स्लीपिंग सिचुएशन में उस वो कॉन्शस लेवल पे नहीं रहता। कॉन्शस का मतलब तो आप जाग रहे हैं, आप दुनिया को देख रहे हैं, क्या सही है वही आपकी आंखों के सामने आ रहा है। ड्रीम का मतलब ये हो जाता है कि आप जग नहीं रहे बल्कि आप सो गए हैं या आप सोने की मुद्रा में चले गए हैं। तो जो वो विचार आते हैं, जो कैरेक्टर आते हैं, जो कहानी आती है, जब आप उसको लोगों को बताते हैं तब वह क्या कहा जाता है? ड्रीम एलिगरी कहा जाता है। क्लियर? ठीक है। ओ